Hello guys and welcome back to the next video of Let's Help Scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं हमारा अगला वीडियो दैट इज व्हाट वीडियो नंबर 3 यानी कि हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम लोग रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं किस तरीके से रिवाइज सिलेबस चल रहा है। भाई सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बोल दूं कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों को हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मिल गया होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं अगर किसी ने नहीं देखा है तो, ठीक है। As I promise कि हम लोग अब रोज एक MCQ क्वेश्चन हमारे पेजेस पे डालेंगे, अकाउंट्स पे डालेंगे, जिससे आप लोगों को पल दो पल में सिर्फ एक सिंगल टैप के ऊपर बहुत कुछ सारा पढ़ने को मिलेगा एक सिंगल टिक के ऊपर, ठीक है। राइट, तो आज का क्वेश्चन था जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि क्या क्वेश्चन था कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है, ये आज का हमारा क्वेश्चन था और उसके चार ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या था? हाँ जी, चार ऑप्शन बोले, ठीक है ना। राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या था कि हम लोग उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहे या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहे। सेकेंड, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करना या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। थर्ड, उसके ऊपर से सैंड को हटाना। And fourth, none of these. So the correct answer for today's question is B, right? So the correct answer for today's question is B. तो आप लोग अपने जवाब अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जहां पर ये पोस्ट डले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कल हमारी वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे 2-3 कमेंट मिले हुए थे। मुझे काफी अच्छे अच्छे कमेंट मिले थे कि 2 साल से हम विश्वास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। तो भाई जब 2 साल से विश्वास किया और 2 साल से हमारे चैनल पे हो हमारे साथ तो फिर अब क्यों हो, राइट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैं ग्रोसरी की दुकान में जाऊंगा और उससे बोलूंगा सर कपड़े दे दीजिए, ऐसा ऑप्शन तो ग्रोसरी वाला रखेगा नहीं। तो आपको हमारे चैनल पे कुछ मिल रहा है भाई जब भी आप हो, ठीक है। राइट, तो हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी हमने बहुत सारी चीजें करी हैं और इस साल भी हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं। आज का वीडियो क्या था? आज के वीडियो में हम लोग को 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो एक केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जो ये बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन इन 5 चीजों के अकाउंट पर चलेगी ही चलेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहली चीज क्या है जो ये बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए। नंबर 1 इज व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो परसों जब हम लोगों ने वीडियो डाला था उसमें हमने देखा था कि भाई हम लोग एक पेपर जला रहे थे और उस पेपर में से गैस निकल रही थी, तो मैं वो बेसिकली एक कार्बन के प्रोडक्ट को बर्न कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। तो जब भी हम लोग एक रिएक्शन करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। तो whenever a reaction is proceed, there must be some evolution of gas. A gas वहां से जरूर निकलेगी, ठीक है। आपको धुआं उठता हुआ दिखता है, वो धुआं ही बताता है, ठीक है। राइट, तो वही गैस रिलीज हुई है और हमें 10th क्लास के अंदर 2 गैसेस के बारे में पढ़ना है। 1 इज हाइड्रोजन एंड द सेकेंड 1 इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पढ़नी है याद कर लो, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे पता करोगे इवॉल्व हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता करोगे इवॉल्व हो रही है, नंबर 1 थिंग, ठीक है। राइट, जब हम हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे, ठीक है, पास थ्रू सोप सॉल्यूशन, ठीक है, राइट, इन कॉन्टैक्ट ऑफ, किसके कॉन्टैक्ट में आई फिर ये? फायर के कॉन्टैक्ट में। तो कैसा साउंड क्रिएट करेगी ये? इट क्रिएट्स अ पॉप साउंड, सोडा की बोतल ओपन होती है, दैट काइंड ऑफ साउंड इट क्रिएट्स, ठीक है। तो नंबर 1 इज व्हाट? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है? व्हेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, राइट, इट फॉर्म्स मेटल का साल्ट,
M salt means metal salt, plus it liberates what? Hydrogen gas. So whenever a metal reacts with acid, it liberates metal salt plus hydrogen gas. अब इस चीज का इस्तेमाल कहां करोगे, दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा कि हम हमारे घर पर बर्तनों के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर, जो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं या किसी और मेटल के बने हुए हैं, उसमें जूसेस नहीं रखते, उसमें लेमन नहीं रखते, लेमन का नींबू का रस, ठीक है, राइट। उनके अंदर हम कोई भी पिकल्स, अचार नहीं रखते। क्या कारण है अचार नहीं रखने का? व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म्स मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस मेटल सॉल्ट कैन बी पॉइजनस एंड इट क्रिएट्स फूड पॉइजनिंग, राइट, इट कैन क्रिएट फूड पॉइजनिंग, दैट इज व्हाई हम लोग कभी भी नहीं रखते, ठीक है। एंड इट लिबरेट्स व्हाट? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने का तरीका नंबर दो, उसमें से बबल्स निकल रहे होंगे जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, एंड द साइज ऑफ बबल इज कंपैरेटिवली बिगर, एंड धीरे 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 बबल्स ऊपर आ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज फर्स्ट, ठीक है, राइट। तो हमने दो तरीके पढ़े जहां पर ये गैस रिलीज हो सकती है या टेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको कब मिल सकती है? जब भी नेचर में कुछ भी कार्बन प्रोडक्ट को आप हीट कर रहे हो, यू डेफिनेटली गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास लाइम वाटर इन लिमिटेड क्वांटिटी टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करी जाएगी, टर्न्स लाइम वाटर इंटू मिल्की, दूध या रंग में बदल देगा। किसमें बदल देगा? दूध या रंग के अंदर, ठीक है। जैसे आप दूध के अंदर पानी मिला दो, बहुत सारा पानी मिलाया, तो वो जो कलर दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज व्हाट द कलर ऑफ लाइम वाटर। सो वन मोर थिंग, यहां पकड़ो चीजों को, कि लाइम वाटर अभी कलरलेस है, कलरलेस, और कलरलेस से इसका कलर किसमें बदल गया? मिल्की में बदल गया। इट मींस अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, बिकॉज देर इज अ चेंज इन कलर, इज दैट क्लियर, बिकॉज देर मस्ट बी सम चेंज इन कलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर से पास होगी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस इज टेस्ट नंबर वन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट नंबर टू, दूसरा टेस्ट क्या है? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपने सोडा की बोतल ओपन करी है, ठीक है, हम ओपन करते हैं, बहुत हाई प्रेशर में होती है, करके आवाज निकलती है, ठीक है, और उसमें से बबल्स आ रहे होते हैं बाहर, बहुत सारे बबल्स आ रहे होते हैं, छोटे छोटे बबल्स और बहुत तेजी से, दैट इज व्हाट? ब्रिस्क एफरेंस, दैट इज व्हाट? ब्रिस्क एफरेंस। तो छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे, बट वो बबल्स बहुत तेजी से निकलेंगे, ठीक है, राइट। और ब्रिस्क एफरेंस उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेनेवर अ पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नंबर वन। नंबर टू, कभी कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, बहुत तेजी से बबल्स छोटे साइज के एस्केप होंगे और बहुत हाई स्पीड पर एस्केप होंगे, दैट इज व्हाट? सेकंड टेस्ट, ठीक है। आई जस्ट शो यू वन रिएक्शन, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया है, ठीक है, मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। मैंने कल परसों की वीडियो के अंदर पेपर बर्न किया था, और जब वो पेपर बर्न हुआ था, तब भी हम लोगों को एक गैस निकलती हुई मिल रही थी, आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर का डेजलिंग सा फ्लेम आ रहा है, दैट इज व्हाट? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज वी आर बर्निंग अ पेपर एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो दीज आर व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, राइट, इज दैट क्लियर। सेकेंड, अब हम सेकेंड के ऊपर चलते हैं, पार्ट नंबर टू क्या इंपार्ट करेगा हमें, दैट इज व्हाट? चेंज इन कलर। चलिए हम एक रिएक्शन लेते हैं दैट शोज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। नंबर वन रिएक्शन, लाइम वाटर
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका कलर हो जाएगा मिल्की, कार्बोनेट बनेगा मिल्की, दिस इज कलरलेस। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, नंबर वन। सेकेंड, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, आप इसको हीट करो, जैसे हमने हीट किया CuSO4 प्लस 5H2O, दिस इज ब्लू विट्रॉल, वायलेट कलर, ब्लू कलर, एंड दिस इज व्हाट, कलरलेस, राइट। अगेन वन मोर रिएक्शन, ठीक है, वन मोर रिएक्शन इज देयर, दैट इज व्हाट, FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, इसको हीट कीजिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, राइट। मैं डायरेक्ट एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूं, FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कलर चेंजेस, ठीक है, तो कलर में बदलाव होगा। इसका कलर पर्टिकुलरली क्या था, इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट बिकम्स कलरलेस, राइट। तो क्या होता है कि ये जो वॉटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डॉट फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में वॉटर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में वॉटर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, हीट करने से ये पानी के मॉलिक्यूल्स निकले, ठीक है, हाइड्रेटेड वाले, और ये कलरलेस बना दिया। यहां पर ये जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, दैट इज व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में है, और जब भी क्रिस्टल फॉर्म में पानी होगा आपके साथ, वो आपको कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है, तो इट इज इंपार्टिंग कलर, ठीक है। दूसरी चीज, जनरल एग्जाम्पल देखो ना, मम्मी सब्जी बनाती है, शिमला मिर्ची, ठीक है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेडी फिंगर, अगर मैं इन सबका कलर देखूं तो कच्चे में कलर अलग होता है, लेकिन जब ये पक गई, खाना बन गया, सब्जी आ गई मेरे पास खाने के लिए, द कलर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑफ ऑल दीज कुक्ड वेजिटेबल्स हैज चेंज्ड, ऑल दीज कुक्ड वेजिटेबल्स हैड चेंज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वहां पर अगर कलर चेंज हो रहा है, देन यू मस्ट से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या देगा बेटा, एक केमिकल रिएक्शन तो अकर करेगा ही करेगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो टेम्परेचर चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड देयर मस्ट बी सेकेंड इज व्हाट, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब हम लोग रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज करेंगे, हीट का सिंबल मैं डेल्टा से बना रहा हूं, हीट रिलीज, दैट इज व्हाट, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और जब हीट एब्सॉर्ब, एंडोथर्मिक, इज दैट क्लियर। तो हमारे पास दो रिएक्शंस है, वन इज एक्सोथर्मिक, वन इज एंडोथर्मिक। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत हॉट कॉफी लेके आया और हॉट कॉफी मैंने ले जाके टेबल पे रख दी, नाउ व्हाट विल हैपन, आसपास का वातावरण उस कॉफी मग के पास का थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। होली जलते हुए देखी हमने सबने, होली, ठीक है, हम लकड़ियां जला रहे हैं, लकड़ी कंटेन्स कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट है, ठीक है, उसकी तो डेट देखो कार्बन 14 बताता है, सोचो कितना यूनिक फीचर है, क्या आपकी डेट कार्बन 14 बता रहा है कि आप लकड़ी कितने साल की हो, ठीक है। तो अब जब हम उसको हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट के अंदर गैसेस रिलीज हो रही हैं। नंबर वन कौन सी गैस होगी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, कार्बन बर्न कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज। दूसरी चीज, आसपास का वातावरण गर्म हुआ, देयर मस्ट बी सम इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट रिलीज हो रही है लकड़ियों में से, एंड वी आर गेटिंग अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसके प्रोसीड होने के बाद
आसपास का एनवायरमेंट गर्म हो रहा है, अगर मैं किसी दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है तो आसपास का रिएक्ट टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड एग्जांपल, सबसे अच्छा, खाना खाते हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, हमने खाना खाया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटा और मुझे पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करी, दैट इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिलीज ऑफ हीट, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी, तो आसपास का टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, राइट, तो वो रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है या हीट एनर्जी एब्जॉर्व करके फिर वो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, दो जनों में लड़ाई करानी है तो पहले आपको हीट देनी पड़ेगी, मतलब भड़काना पड़ेगा दोनों को, तो पहले तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक, और जब वो दोनों भड़क गए अब उन दोनों में लड़ाई हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। Is that clear? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अकर होती हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है दो तरीके से, वन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। इन फर्स्ट देयर मस्ट बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, यूज करता है, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदलता है और बदलने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट एब्जॉर्बिंग हीट, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी प्रोसीड ऑन, देखते हैं अगला क्या है, दैट इज व्हाट चेंज इन स्टेट, राइट, चेंज इन स्टेट हम लोग बहुत तरीके से देख सकते हैं कि भाई सॉलिड से लिक्विड बन गया, बेसिकली इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, बट चेंज इन स्टेट वी मस्ट कंसिडर इट एज अ केमिकल चेंज। ठीक है, राइट, अ सॉर्ट ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, दैट इज व्हाट चेंज इन स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया, दैट इज व्हाट, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में था, गैस के साथ रिएक्शन किया, पाउडर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, और भी बहुत तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके की क्या देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, राइट, वी हैव वन रिएक्शन, आई जस्ट राइट इट आउट, अमोनिया प्लस HCl, ठीक है, दैट इज व्हाट NH3 प्लस HCl, दैट इज व्हाट अमोनियम क्लोराइड, दिस इज व्हाट सॉलिड स्टेट एंड दिस बोथ इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज इन लिक्विड स्टेट, तो दिस इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट्स। ठीक है, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। द लास्ट एंड द फिफ्थ मोस्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट दैट इज अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जब भी इस तरीके की रिएक्शन होगी, टू प्रोडक्ट्स फॉर्म, वन एक होगा सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की फॉर्म में एंड सेकेंड मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट एंड दे बोथ आर इनसॉल्युबल। ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहलाती है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो बताती हैं दैट देयर मस्ट बी सम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, से फॉर एग्जाम्पल ठीक है, दैट इज व्हाट सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। ठीक है, मुझे क्या देगा,
सबसे पहले देखेंगे एजी से सीएल मिल जाएगा और एनए एनओ थ्री, तो ये बन गया एजी सी एल सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गए, ये दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो इनमें से एक प्रोडक्ट क्या होगा, एक्वस होगा, एंड देयर मस्ट बी सम एक्वस प्रोडक्ट एंड एजीसीएल विल बी सॉलिड। तो एजीसीएल क्या करेगा, इसमें घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल रहता है और ऊपर क्या कर लेता है, लेयर फॉर्मेशन बना लेता है, ऊपर लेयर बन जाती है। जैसे आप पानी के अंदर तेल डालें, ऑयल डालें, मिक्स करें तो वो घुलेगा नहीं। ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज देयर। ठीक है, तो अगर कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, पानी में झाग मिलाओ, सॉरी पानी में साबुन मिलाओ, ठीक है, पानी में हम लोगों ने साबुन डाला, साबुन मिल गया, झाग ऊपर है और पानी नीचे, झाग क्या होगा, फॉर्म लेदर। ठीक है, राइट, वो लेदर क्या बना, झाग क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, वो पानी में मिक्स नहीं होता बेटा कभी। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये पांच चीजें हैं जो बताती हैं हमें कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, अब हम दो तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, वन इज व्हाट, बैलेंस्ड, एंड सेकंड इज व्हाट, अनबैलेंस्ड। आपको क्या करना है, इस अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास 2H2+O2। ठीक है, जस्ट लुक वन मोर रिएक्शन हम देखते हैं, ये मैंने बैलेंस कर लिया, हम ले लेते हैं Zn+H2SO4। रिएक्शन इज व्हाट, Zn+SO4+H2। अब चेक करें, एक जिंक एक जिंक, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक सल्फर एक सल्फर, एक चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट बैलेंस रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक रिएक्शन देखूं अब देखिए, यहां पे दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आर नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक केमिकल रिएक्शन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा फॉलो होगा, लेकिन यहां पर मास इक्वल नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, अनबैलेंस रिएक्शंस को हम लोग किसकी फॉर्म में डालते हैं, बैलेंस की फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, तो कल हम सबसे पहले नई वीडियो के अंदर बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग समझेंगे, नंबर वन चीज। ठीक है, बैलेंसिंग करना सीखेंगे अनबैलेंस को, और फिर हम लोग एक टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर एक उसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा किसके साथ, एक पेपर के साथ, जहां पर हम लोग एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और सारी चीजें सॉल्व करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक के अंदर आपको गूगल ड्राइव का लिंक है, पेपर एज इट इज खुला हुआ मिलेगा, आपको सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसके सॉल्यूशंस के साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइज कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।